इस एपिसोड में टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, चूंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स काफी बेहतर रहे, जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करा, और इस समय एक बड़ी एडिटोरियल या फिर आप एक वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं, जहां सीएनबीसी टीवी पोल के एडिटर ने नरेंद्रन जी के साथ डिस्कशन करा है। यहां देखेंगे, टाटा स्टील रिपोर्टेड अ गुड शोइंग इन इंडिया बिजनेस, बट सस्टेनेबिलिटी इज की। चेकआउट कन्वर्सेशन आई हैड विद मिस्टर नरेंद्रन ऑन हाउ ही सी प्राइसिंग डिमांड एंड स्प्रेड पैन आउट। तो यहाँ इस वीडियो को आप चाहें तो श्योरली वॉच आउट करें, अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर के पैसिनेट हैं या फिर सीरियसली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो एक बार क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे, इसको थोड़ा एक्चुअल नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि अपन जो रियलिटी है उसको समझ पाए। यहाँ जो सेल्स रहे वो सेल्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ा वीक रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी वीक रहा। अगर बात करें इसके प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखे हैं। कंपनी ने टैक्सेशन काफी बड़ा पेमेंट करा है, नहीं तो ये क्वार्टरली नंबर्स नियर अराउंड 2000 करोड़ के प्रॉफिट्स भी कंपनी डिक्लेयर कर सकता था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे तो काफी बड़े रिवर्सल दिखे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने एक बड़े टैक्सेशन के पेमेंट के बाद भी जो नंबर्स रहा वो काफी प्रॉफिटेबिलिटी रही। तो मुझे लगता है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी दिख रहा है। अगर यहाँ होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो पाएंगे कि एज इट इज जो एफआई है उसने थोड़े जिसको कि नेक्स्ट लेवल होल्डिंग डिक्रीज करा है, लेकिन जो डीआईज है उसने पोजीशन बढ़ाए हैं, प्रमोटर 0.20% घटाए हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक ने भी पोजीशन को घटाया है। यानी पब्लिक डीआई और प्रमोटर ने जो होल्डिंग को डिक्रीज करे उसको डीआईज ने माल को दबा लिया है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग रहे और एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट करा, और मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली के तरफ जाते दिख सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर वॉच आउट करें अगर आप बाजार को लेकर के सीरियस हैं। रिसेंट के डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी इस स्टॉक में काफी आउटस्टैंडिंग दिखे हैं। स्टॉक ने टेक्निकली बेटर परफॉर्म करा है, लेकिन पास्ट 1 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में है, और ना केवल ये स्टॉक बल्कि पूरे बाजार के ट्रेंड ही एक कंसोलिडेट फॉर्म में दिखा। इससे पहले के ट्रेंड काफी आउट परफॉर्मिंग ट्रेंड रहे हैं। एक बार इसके चार्ट को देखें और समझें कि आखिर टेक्निकली क्या दिख रहा है। स्टॉक वीक तो बिल्कुल नहीं है। यहां देखेंगे तो ये जो चैनल स्टॉक फॉलो कर रहा है, इस चैनल को हम कहते हैं हायर हाई और हायर लो। इसको कहते हैं हायर हाई हायर लो, यानी हर बार एक नया हाई और लो भी देखेंगे तो जो लो बनता है वो नया ऊपर का लो बनता है। तो इसको हम हायर हाई हायर लो, कि लो भी हायर और हाई भी हायर। तो यहाँ टेक्निकली ट्रेंड स्ट्रांग है, एक मेजर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जो कि 142 का है, और टेक्निकली इसके ऊपर का ब्रेकआउट 165 टू 200 जैसे लेवल्स दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका जो सपोर्ट है 128 का है, और जब तक 128 के नीचे की क्लोजिंग न दे, स्टॉक टेक्निकल ट्रेंड स्ट्रांग है, इसके एसएल को लगा करके लॉन्ग कर सकते हैं। अगर इस जोन को ब्रेकडाउन करे 128 को, तो फिर शॉर्ट टर्म एक करेक्शन दिख सकता है, जो 120 तक के लेवल्स भी टच करते दिख सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा।